आज हम सिर्फ आलू से बिना लहसुन बिना प्याज के इस सब्जी को बनाकर तैयार करेंगे, जिसे मेहमान भी एकदम चाव से खा जाएंगे। कोई बता नहीं सकता कि आपने इसमें लहसुन प्याज अदरक का यूज नहीं किया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिना प्याज बिना लहसुन बिना अदरक वाली इस आलू की सब्जी को। नमस्ते मेरी प्यारी मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रखते होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन बिना अदरक बिना प्याज के आलू की सब्जी। अब आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें लहसुन अदरक और प्याज नहीं पड़ने वाला है। आज मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलेगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो नहीं कर रखा है तो किस बात की देरी है, फटाफट से इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आलू की सब्जी बनाने के लिए बिना प्याज लहसुन वाली हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच ऑयल और अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म करेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल से भी इस सब्जी को बना सकते हैं या फिर देसी घी से भी बनाई जा सकती है सब्जी। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने क्या ले रखा है, जीरा सौंफ हींग और थोड़े से लौंग और एक बड़ी इलायची दो तेज पत्ते। फटाफट से तेल गर्म होने के बाद हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर हम इन्हें पकाएंगे। थोड़ी देर सारी चीज़ें पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन साबुत लाल मिर्च और इन्हें भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। साबुत लाल मिर्च थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये तीन टमाटो की प्यूरी। थोड़ा सा टमाटो प्यूरी पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे आमचूर का पाउडर। गरम मसाला हम अभी नहीं डालेंगे, सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पकाएंगे हम सारे मसालों को अपने। आप इस तरीके से एक बार बिना प्याज लहसुन अदरक वाली सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नवरात्रि में तो अक्सर आप बिना प्याज और बिना लहसुन के ही रेसिपी बनाते हैं। टमाटर की प्यूरी को मैंने अच्छी तरीके से मसाले के साथ पका लिया है, सभी मसालों के साथ। और अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉईल किए हुए आलू। मैंने यहाँ पे पांच बड़े साइज़ के आलू को बॉईल कर रखा है। आलू को हम इस तरीके से हाथ से तोड़ के डालेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ना है, ऐसे थोड़े थोड़े चंक्स रहने चाहिए। इस तरीके से पाँचों आलू को हम तोड़ के डाल देंगे कढ़ाई में। और बहुत ज़्यादा आलू नहीं उबले होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आलू उबले रहेंगे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चंक्स इसमें दिखते हैं तभी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और देखने में भी काफ़ी टेम्प्टिंग लगती है ये सब्जी। पांचों आलू को मैंने तोड़कर डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे अपनी पांचों आलू को। और अभी से देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कोई नहीं बता सकता कि आपने इसमें लहसुन अदरक और प्याज नहीं डाला है। अच्छे से सब्जी में सारे मसाले और आलू मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। इस ग्लास से हम दो ग्लास पानी ऐड करेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं सब्जी में पानी को और फ्लेम को हम हाई से थोड़ी सी कम रखेंगे, यानी कि लो टू मीडियम हम रखेंगे फ्लेम को और अच्छी तरीके से पकने देंगे सब्जी को कवर करके। लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं ये गरम मसाला एक चम्मच। गरम मसालों को भी हम मिक्स करेंगे सारी सब्जी में और फटाफट से कवर कर देंगे हम अपनी सब्जी को। पाँच मिनट बाद हम प्लेट को हटा के देखेंगे अपनी सब्जी को और देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अच्छे से हम सब्जी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, देखिए कितनी टेम्प्टिंग लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर इसका अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस सब्जी में। कसूरी मेथी को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जी में अपने।
जो थोड़े से बड़े वाले चंक्स दिखते हैं इस तरीके से आलू, उसे हम थोड़ा सा इस तरीके से दबाते हुए तोड़ देंगे। वो छोटे छोटे हो जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ऐसे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। फ्लेम को हम कर देंगे बंद। देखिए कितना प्यारा टेक्सचर है सब्जी का, ग्रेवी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी। बारीक कटी हुई हरी धनिया हम इसमें ऐड कर देते हैं। हरी धनिया को मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे हम। सारी सब्जी को मैंने बाउल में निकाल लिया है और देखिए सब्जी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। आप भी एक बार इसी तरीके से सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप इसे सिंपल रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर कचौड़ी पूड़ी के साथ खाएंगे, बहुत ही यम्मी लगेगा और खा के तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार ऐसे बनाकर ट्राई जरूर करिएगा। ट्राई करना तो बनता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, आप एक बार बनाकर देखिएगा ज़रूर। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।